कैसे हैं आप सारे। तो मैं जो है आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपके पास भी नोटिफिकेशन आई होगी सीबीएसई के रिगार्डिंग कि जो पेपर रह गए थे वो पेपर होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की जो है कह सकते हैं कि भाई उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, कि उसमें जो है उनका जो अगर आप देखो डेटशीट, तो उसमें अकाउंटेंसी वगैरह ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो उसमें क्या तो यार आपका अगर पेपर हो गया है तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहां पर वो पेपर नहीं हुए थे, इसलिए उसके साइड में लिखा हुआ है जैसे नॉट दिल्ली जो है ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पेपर आपके हो गए हैं वो पेपर उस जगह नहीं हुए, तो वो पेपर अब वहीं होंगे, आपके नहीं होंगे। यानी आपके जो पेपर हो गए हैं वो पेपर दोबारा नहीं होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी ये कि अगर सपोज करें अगर मैं डेटशीट में एज अकाउंटेंसी तो साइड में कॉलम में लिखा है आपका नॉर्थ दिल्ली, कि वो अकाउंटेंसी का पेपर सिर्फ नॉर्थ दिल्ली वाले बच्चों के लिए ही है, ईस्ट साउथ और जो भी आपके जो है तो उसमें आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है ना, और ऑल ओवर इंडिया में भी वो नहीं होंगे, हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम भी हैं जो मेन कोर्सेज में अवेलेबल है और वो होने होने हैं, जिसमें आपका जो है हिंदी आता है वो 2 जुलाई को है, आप नोट आपके पास होगा यार, आप देख सकते हो 2 जुलाई को है हिंदी को, जिसका कोड है 302। ये ऑल ओवर इंडिया में होगा, यानी ये सबको देना है क्योंकि आप सबने इसका एग्जाम दिया नहीं होगा, तो ये आपको देना। दूसरा 10 जुलाई जो है बिजनेस स्टडी, यार मैं कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा देखता हूँ, 8 साल होगा अभी फिलहाल तो पढ़ा नहीं रहा मैं, तो इसलिए मेरा बिजनेस जो स्टडी है वो कॉमर्स वालों के लिए है, 8 सालों की डेटशीट ऑब्वियसली मेंशन होगी, वो आप उसमें देख देते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रह गए जिनके एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो 10 जुलाई को जो आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये भी एग्जाम आपका नहीं हुआ था होगा, और 10 जुलाई से पहले किसी के पास होता है कंप्यूटर साइंस, किसी के पास नहीं होता है, तो भाई तो 7 जुलाई को जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है ये भी ऑल ओवर इंडिया है, जिनके पास कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देंगे। तो ये इस तरीके से डेटशीट आपके साइड में मेंशन है, और साइड में ये भी दिया हुआ है कि वो कहाँ होंगे, ऑल ओवर इंडिया, तो कुछ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। टाइमिंग वही है जो आप देते हैं, जो टाइमिंग उसमें भी मेंशन होगी। तो अब बात आ जाती है कि अगर आपको डेटशीट समझ में आती तो पढ़े कैसे, ठीक है, क्योंकि अब मेरा मानना है कि पहले बच्चे ये बहाना करते थे सर मेरे को ये होमवर्क मिलता है, पूरा टाइम होमवर्क करता रहता हूँ, अकाउंट्स करता रहता हूँ, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। दोस्त अब क्या है, अब तो स्कूल भी नहीं खुले और आपके सब्जेक्ट एक ही दो, तो अभी भी बच्चे आलसी कर रहे हैं और ऑब्वियसली करेंगे यार, घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यार खाली बैठने से अच्छा है ना, आप जो आपके सब्जेक्ट है ना मेन जमीन पे आप ज्यादा फोकस करो। जैसे हिंदी है, हिंदी का आपको क्या लगता है कि बहुत ईजी आता है पेपर, नहीं दोस्त, उसमें आपका जो गद्यांश और पद्यांश ये सारे जो होते हैं पोएम वगैरह पोएट्री सेक्शन हो गया रीडिंग सेक्शन हो गया वो यार थोड़े से हार्ड होते हैं, और पोएम सेक्शन तो बहुत हार्ड ही होता है कबीरदास के दोहे वगैरह वगैरह, तो यार तब तक उस पर तो फोकस कर ही सकते हो आप। और ये सारे मार्क्स आपके इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप डीयू वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो कि आपका सपना है, तो यार उसमें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बेस्ट फॉर सब्जेक्ट में आपको आपको चॉइस करना पड़ता है हिंदी इंग्लिश में। तो ये उसके बाद बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी में भी आप क्या करें कि मैं अगर किसी ने पढ़ लिया है तो कहता है यार मैं कितनी बार पढ़ू इसे, पढ़ पढ़ के बोर हो गया, ठीक है मैं ज्यादा पढ़ने को कौन कह रहा, लेकिन यार आपको ना कुछ पॉइंट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है, या आपने पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े होंगे, यानी आपने सारे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया होगा, छोटी छोटी चीजों को आपने छोड़ दिया होगा, अब आपके पास टाइम है पूरी बुक को रीड करने का एक से एक, जो ब्रैकेट बॉक्स वगैरह में जो होते हैं ना उसमें भी आपको जो है उस चीज को भी पढ़ना है, क्योंकि क्या पता कहीं उसकी भी हेल्प है। अब क्योंकि केस स्टडी वगैरह भी उसमें होते हैं, केस स्टडी को समझने के लिए भी आपको एक तरीके का दिमाग चलाना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि यार कौन सा क्वेश्चन प्लानिंग से आया, ऑर्गेनाइजेशन से आया, कंट्रोलिंग से आया, ये कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो आप यार ऐसे करो कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी रखो, केस स्टडी को थोड़ा सा आप देखो, केस स्टडी में आपको बहुत मजा आएगा, आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है गवर्नमेंट या स्कूलों में वो, बाकी हरिहंत का स्टडी मटेरियल आपके पास हो गए केस स्टडी का प्राइवेट स्कूल या फिर, तो आप वो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, क्योंकि अब टाइम नहीं है वो भाई, टाइम जाता रहता है, ठीक है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप भी जो है घर पे पढ़ाई करते जाइए, तो
ये आपके लिए अच्छा रहेगा इस कंटेंट। और हो सके मैं भी आपको जो है वीडियो अपलोड करके देता रहूंगा, बस आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक में डाउट है। क्या हजारों वीडियो पड़ेगी यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो क्लिक, तो एक सिंपल सा चीज होता है कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा मोटिव है और यही जो है मुझे औरों से अलग बनाता है। अगर मैं भी वही चीज उतना ही टाइम को आपको समझाने में तो फायदा क्या है उनके और आप मेरी वीडियो देखेंगे। तो किस लिए जो है मेरा मेन मोटिव होता है, इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जिसका टॉपिक आपको पता भी नहीं है और मिल भी ना रहा, तो आप ये हेल्प कर सकते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसके बारे में बता दो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यार मैं बता दूंगा उसे, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी मैं वीडियो बनती रहती है यार टॉपिक वाइज, तो उस चीज में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर और भी कुछ अपडेट आता है, जैसे ड्यू का अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इनो से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो यार मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल तो अभी सीबीएसई का देखते हैं, और रही बात ड्यू इनो की तो वो भी मैं आपको जो है बता ही दूंगा इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, ठीक है। चलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो यार, के पास बहुत टाइम है, ठीक है। ओके थैंक यू।